नमस्कार प्रिय साहित्य सुधी श्रोताओं, आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कालजयी कृति साकेत के नवम सर्ग से एक पद्य का, एक गीत का रसास्वादन करेंगे और उसके मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि राष्ट्रकवि गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से साहित्य की उपेक्षित नारी पात्रों पर साकेत, यशोधरा और विष्णु प्रिया सरीखे अमर काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया। गुप्त जी ने इन उपेक्षित नारी पात्रों को गरिमा प्रदान की, भव्यता प्रदान की। इन पात्रों में एक अद्भुत पात्र थी उर्मिला। उर्मिला का त्याग, उर्मिला का समर्पण देवोपम था, लेकिन उर्मिला के व्यक्तित्व के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं हुआ। श्री राम को केकई ने वनवास दिया। उर्मिला के पति लक्ष्मण कष्ट के क्षणों में अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं। कलयुग की कोई स्त्री होती तो भीषण ग्रह कलह हो जाती, लक्ष्मण का जाना मुश्किल हो जाता, लेकिन उर्मिला थी। उसने तत्काल अपने मन को समझाया और कहने लगी, कहा उर्मिला ने, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। उर्मिला ने अपने मन को समझाते हुए कहा कि हे मेरे मन, तू प्रियतम के मार्ग के रुकावट मत बन। आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा। उर्मिला कहती कि आज त्याग से भरा हुआ मेरा स्वार्थ है, यह प्रेम वैराग्य से परिपूर्ण है। इस प्रेम में आसक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य पालन का भाव है। इसलिए वो अपने मन को कहती है, तू विकार से पूर्ण न हो, शोक भार से चूर्ण न हो। हे मन तू विकारों से परिपूर्ण मत बन, तू शोक से, वेदना से, पीड़ा से चूर चूर मत हो जा। भ्रातृ स्नेह सुधा बरसे, भू पर स्वर्ग भाव सर से। आज अवसर है कि भाइयों के प्रेम रूपी अमृत को बरसने दे, ताकि इस धरती पर स्वर्गिक भावों का प्रवहन हो, स्वर्गिक भाव बहते रहे। इसलिए उर्मिला सहर्ष अपने प्रियतम लक्ष्मण को रवाना कर देती है और स्वयं के लिए चुनती है 14 वर्ष का विरह। ये 14 वर्ष काटना उर्मिला के लिए बहुत दुस्सह है, बहुत भारी है, लेकिन उर्मिला एक एक पल को, एक एक क्षण को युग की तरह काट रही है। कभी चित्र बनाकर, कभी वीणा बजाकर, कभी बागवानी करके, कभी पक्षियों से संवाद करके, कभी सखियों के साथ अपने दुख को बांट करके उर्मिला इन पलों को काट रही है। विरह का एक एक क्षण उसके लिए बहुत भारी था। गुप्त जी लिखते हैं, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। उर्मिला का यह जो विषम वियोग था, यह योग साधना से भी ज्यादा कष्टकर था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी ही का ध्यान, 8 पहर 64 घड़ी पल प्रतिपल हर क्षण वो सिर्फ अपने स्वामी का ध्यान करती थी, अपने प्रीतम लक्ष्मण का ध्यान करती थी। और छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, उसका आत्मज्ञान, उस स्वयं की शुद्ध बुद्ध वह एकदम भुला चुकी थी। वह पूरी की पूरी लक्ष्मणमय हो चुकी थी। वह वेदना और व्यथा में डूबी हुई है। और हमारी पाठ्यक्रम में जो एक पद है, जो एक गीत है, वह बहुत भावुक है। वेदना को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है, वेदने तू भी भली बनी। हे वेदना, तू मेरे लिए बहुत भली बनी है, तू मेरे लिए बहुत श्रेयस्कर है, तू मेरे लिए बहुत अच्छी है। पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह घनी। हे वेदना, पाई मैंने आज तुझी में, मैंने तेरे अंदर अपनी सघन चाहत को, अपनी घनीभूत इच्छा को पाया है। मेरी एक ही इच्छा है कि पल प्रतिपल मेरे प्रियतम लक्ष्मण मेरे पास रहे,
और विरह के कारण, वेदना के कारण आज मैं अहर्निश उनका ही ध्यान कर रही हूं। आज मेरी यह चाहत पूरी हो रही है तो हे वेदना तेरे कारण हो रही। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीरकनी। हे वेदना तू उस हीरक मणि के समान है, तू उस हीरक कणी के समान है जिसने मेरे लिए आशा की नई किरणें छोड़ी है। तूने मेरे अंदर नया उजाला किया है, नई रोशनी की है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय अभिषेक अनी। हे मेरे प्रियतम के बाणों की नोक के समान वेदना तू मेरे हृदय में चुभती रहे, प्रियतम के बाण के नोक की तरह तू मुझे सालती रहे ताकि मैं सजग रहूं, मैं प्रियतम का ध्यान करती रहूं, प्रियतम मेरे हृदय में बैठे रहे, मैं उनके प्रति सचेत रहूं। ठंडी होगी देहन मेरी रहे दृगंबु सनी। हे विदना तेरी कृपा से, तेरी मेहरबानी से, आंसुओं से सनी हुई रहने वाली मेरी यह देह, लक्ष्मण के विरह में मैं अहर्निश रो रही हूं, रात दिन रो रही हूं और मेरी देह की ठंडा होने का भय है, लेकिन तेरे कारण मेरी यह देह ठंडी नहीं हो पाएगी क्योंकि तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। तू उस तपन मणि के समान है, तू सूर्यकांत मणि के समान है जो मुझे उष्णता प्रदान करती रहेगी और तेरे कारण यह मेरी देह ठंडी होने से बच जाएगी, यह मेरी देह ठंडी नहीं हुई। आ अभाव की एक आत मुझे ही विदना तू अभाव से उत्पन्न है, तू अभावों की पुत्री है। जब जीवन में अभाव होते हैं तभी तो वेदना होती है, इसलिए उर्मिला के लिए हे वेदना तू अभाव की पुत्री है और अदृष्ट जनी, और तू भाग्य से उत्पन्न है, उस अदृष्टि विधि के विधान से उत्पन्न है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। हे वेदना तेरी छाती स्तन की उपमा के योग्य है, जिस प्रकार से मां अपने शिशु का पोषण अपने स्तन से करती है उसी प्रकार हे वेदना मेरे प्रियतम के प्रति प्रेम रूपी बालक का पोषण तू कर रही है। हे वेदना तेरी उपमा स्तन से देना पूर्णतया सार्थक है क्योंकि तू प्रियतम के प्रति प्रेम रूपी जो शिशु है उसका निरंतर पोषण कर रही है, निरंतर उसको बढ़ा रही है। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। हे वेदना तू वियोग में स्थित समाधि की तरह है, वियोग रूपी समाधि है, तू बहुत अच्छी तरह से ठनी है, बहुत अच्छी तरह से बनी है। तेरे कारण अपने को प्रिय को जगती को देखू खिची खिची। हे वेदना तेरे कारण ही मैं अपने आप को अपने प्रियतम को और इस संसार को खिंचातना परस्पर सन्नत एक दूसरे से जुड़ा हुआ अनुभव कर रही हूं। मन सामानिक मुझे मिला है तुझ में उपलखनी। हे वेदना तू उस पत्थर की खान के समान है जिसमें मुझे मन चीता माणिक्य प्राप्त हुआ है। हे वेदना तू प्रस्तर की वो खान है जिसमें मुझे बहुमूल्य प्रियतम का प्रेम रूपी माणिक्य प्राप्त हुआ है। तुझे तभी त्यागू मैं सजनी, तुझे तभी त्यागू मैं सजनी पाऊ प्राण धनी। हे सखी हे सजनी मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं तुझे उसी समय छोड़ूंगी जब अपने प्राणों के धन अपने प्राणों से भी प्रिय प्रियतम को प्राप्त करूंगी। उर्मिला कहती है हे वेदना तुझे मैं अपनाए रखूंगी, तुझसे जुड़ी हुई रहूंगी और जब प्रियतम को पाऊंगी तब तुझे छोड़ूंगी, उसके पहले हे वेदना मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। प्रिय विद्यार्थियों हमारे पाठ्यक्रम में साकेत का यह एक पद ही एक गीत ही निहित है, पर आपको मेरा सुझाव है कि आप साकेत का अध्ययन करें, रसास्वादन करें और इस कालजयी कृति का आनंद लें। धन्यवाद।